हमारे हमारे वतन साथियों कर चले तो लगातार हम दिखा रहे हैं आपको देखे किस तरह भारतीय जनता पार्टी के जो ये भटकाने भटकाने की जो रैली इस पर किया गया, ये देखिए पूरे भारतीय जनता पार्टी का ये पास किया है और हमारे सामने ये मार्च चलो देखेंगे आज ये भारतीय जनता पार्टी बता रही है कि महागठबंधन नहीं चाहती है चुनावी मुद्दा होगा। ये देखिए किस तरह इस चुनावी मुद्दा को हटाने का प्रयास किया जा रहा है, जैसे महागठबंधन पर आरोप लगाया गया है और हम बताएंगे कि ये जो मुद्दा है वो काफी अहम है क्योंकि इसी पर 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा और 2024 का जो चुनाव है ये 2024 का चुनाव होगा और इसी पर चुनाव लड़ा जाएगा। ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का है और हम बता दें महागठबंधन पर आरोप लगाया गया है कि यो एम्स नहीं बनाया दिया जा रहा। ये देखिए आपको हम दिखाएंगे तो ये हम बताना चाहेंगे कि देखिए ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें यहाँ पर एक मुख्यमंत्री के जो क्या लग रहा है ये जो यात्रा निकला क्या है ये नीतीश कुमार जी को पूरा बिहार प्रदेश के जो हमारे नेता है वो नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा हो या विधान परिषद में सम्राट चौधरी जी हो वो सब डॉक्टर संजय जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष जी सबों ने एक साथ ये पद यात्रा और दरभंगा एम्स के लिए लगातार प्रयासरत दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर जी लगातार इन सबों ने पद यात्रा निकाल के या विरोध दिखाने का प्रयास किया है कि पलटू सरकार को दरभंगा में एम्स के फैसले पर पलटने नहीं देंगे। चलिए हम दिखा रहे हैं आपको, देखिए आप सीधा संजय जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष जो पहुंचे हैं सीधा कर्पूरी जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण करने, सम्राट चौधरी हैं, विजय सिन्हा हैं, ये सभी तमाम जो हैं वो कर्पूरी जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद यहाँ से संबोधित करेंगे और ये कहना चाह रहे हैं कि एम्स का जो लटकाने का मुद्दा है वो नहीं चलेगा, एम्स लटकाने का मुद्दा नहीं चलेगा और हम बता देंगे एम्स लटकाने के मुद्दे को लेकर के इन लोगों का नीति है कि एम्स को लटकाने भटकाने का जो प्रयास महागठबंधन सरकार कर रही है उसके खिलाफ इन लोगों का प्रदर्शन है और आज बड़ी संख्या में हम बता दें कि सीधा ऑडिटोरियम में जो कार्यक्रम समाप्त हुआ जो कार्य समिति की बैठक समाप्त होने के बाद वो सीधा पहुंचे हैं पैदल यह लोग पहुंचे हैं कर्पूरी चौक तक और एम्स के मुद्दे को दिखाने के लिए कर रहे हैं। तो ये एक अहम मुद्दा है इस बार और इस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा और हम लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए ये जो मंच पर ये जो कर्पूरी जी की प्रतिमा पर माले शंखनाद किया गया, ये देखिए ये शंखनाद है और ये शंखनाद किया जा रहा है ताकि ये एम्स बनाने को लेकर के कि एम्स बनेगा यहाँ और ये शंखनाद है, ये तमाम जो नेता है यहाँ पर वो शंखनाद कर रहे हैं। ये देखिए पीछे कितने कार्यकर्ता हैं, ये सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता जो वहां से सीधा आए हैं और ये तमाम लोग यहाँ पर हैं और ये भाजपा के नेताओं और माननीय सांसद के लगातार माध्यम से सहयोग करने वाले ये देखिए अब यहाँ पर माल्यार्पण के बाद अब ये लोग यहाँ पर हैं और यहाँ से ये लोग संबोधित करके वापस लौट रहे हैं। इन लोगों का सिर्फ ये कहना है कि ये जो 2024 में पहले यहाँ पर बनना था जो एम्स उसको नीतीश सरकार ने बनने नहीं दिया वो लटकाने का मुद्दा कर रही है, वो लटकाने को लेकर के कर रही है। अब देखिए यहाँ पर कार्यक्रम के बाद एक बार ये हमारे साथ हमने लोग क्या कार्यक्रम हुआ यहाँ पर
कार्यक्रम स्थल पोलो मैदान के पास जो प्रेक्षा गृह है वहाँ पर हमारा ये प्रदेश कार्य समिति का दो दिवसीय यहाँ पर कार्य समिति का कार्यक्रम था। इसमें हमारे केंद्र से लेकर प्रदेश तक हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी और विपक्ष के नेता विधानसभा प्रतिपक्ष आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी और विधान परिषद दल के विपक्ष के नेता आदरणीय सम्राट चौधरी जी और केंद्र के नेता मौर्य साहब और सभी गणमान्य एम्स जो प्रस्तावित जगह हमारा कर्पूरी चौक है वहीं पर एम्स बनेगा, इसीलिए हमारे सभी नेतागण कार्यक्रम स्थल से लेकर कर्पूरी चौक तक जहां पर हमारा एम्स का प्रस्तावित स्थान है पैदल हम लोग पद यात्रा करके आए हैं और बिहार सरकार को चेतावनी देते हैं नीतीश कुमार माननीय नीतीश कुमार जी को कि आप एम्स को लटकाने भटकाने अटकाने की कोशिश ना करें। जनता की आवाज है, मिथिला की आवाज है और देश के श्री प्रधान नरेंद्र मोदी के द्वारा उन्होंने यहां पर अपना पैसा भी दे दिया है और बिहार सरकार भी ने मंजूरी दे दी थी जो अतिक्रमण का 77 एकड़ है उनको निष्कुमार खाली करवाए और एम्स यहीं पर बनेगा, ये मिथिला की मांग है। तो चलिए हम बता दे, देखिए यहां पर तमाम नेता कर्पूरी जी के प्रतिमा पर यहां पर खड़े होकर उन्होंने कहा कि ये जो नीतीश सरकार ने सबसे पहले यहाँ 81 एकड़ जमीन का अधिग्रहण भी हो गया था लेकिन फिर इसे टालने का प्रयास किया गया। और हम बता दें जो अब कई लोग हैं हमारे साथ ये आपके मिथिला में इस तरह के एम्स पर लेकर के राजनीति हो रही है, क्या है ये? अब तो करो मरो के स्थिति भ गेले, एम्स के भारत सरकार मंजूरी दिल के और संगे ही झारखंड में देवघर के लेल दिल के उत्तर तैयार भ गेले, अन्य जगह तैयार भ गेले, भारत सरकार से 1200 करोड़ से अधिक पैसा दौक सारा का डायरेक्टर बहाल कर दिल के और ऐसा उपयुक्त जगह मिथिला में नहीं छे, मिथिला के राजधानी दरभंगा हार्ट ऑफ दी मिथिला में छे, ते समस्त मिथिला वासी तरफ से हम मांग करे छी जे एते एम्स प्रस्तावित जगह पर होना चाहिए नहीं तो हमरा सब करो मरो के आंदोलन करब। चलिए वैद्यनाथ चौधरी बैजू जी हैं और हम बता दें कि लगातार ये मुद्दा ऐसा है जिस मुद्दा पर लगातार लड़ाई अब लंबी खींचने वाली है क्योंकि ये जो मुद्दा है वो इतनी जल्दी समाप्त नहीं होगा, 2024 के चुनाव में सारे मुद्दे लेकर के ही जाएंगे। और देखिए अभी माल्यार्पण के लिए गोपाल जी ठाकुर हैं और हम बता दें विजय सिन्हा जी हैं जो माल्यार्पण करेंगे, आगे ये माल्यार्पण करेंगे। और हम बता दें कि ये जहां से संजना जी लोगों ने किया है कि सीधा अगर एम्स हो तो डीएमसीएच परिसर में ही हो, डीएमसीएच परिसर में एम्स को लेकर के ये पदयात्रा हुआ, क्या उद्देश्य यह पदयात्रा? डीएमसीएच परिसर में ही एम्स बने उसके लिए यह पदयात्रा निकाला गया है। हम लोगों की लड़ाई लगातार जारी है तो एम्स इसी स्थल पर बने इसलिए यह पदयात्रा निकाली गई। चलिए शंखनाद हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर ये शंखनाद हो रहा है, इस बात का ऐलान हो रहा है कि यहाँ से एम्स का जो है वो यहाँ से लेकर बिगुल चुका है। देखिए गोपाल जी ठाकुर, क्योंकि गोपाल जी ठाकुर के लिए भी अब ये चैलेंज होगा 2024 में लोकसभा चुनाव उनको लड़ना है और मार लीजिए फूल वाला ले लीजिए। हाँ वो देखिए पूरा और बता दें कि ये एक अहम है और अभी देखिए इस पर मंच से सभी अब उतरेंगे और आप बता दें यही एक उद्देश्य था कि इस बार लोगों के बीच मैसेज जाए कि भारतीय जनता पार्टी एम्स डीएमसीएच परिसर में। चलिए हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे।